हेलो मित्रों, जैसा कि मैं बाइनरी नंबर आज आपको बताने वाला हूं और बोला था कि बाइनरी नंबर चलेगा, क्लास में भी मैं जो आज बताया लड़कों से कि बाइनरी नंबर चलेगा, सो मैं लड़कों से भी थोड़ा चैट कर लूं, बात कर लूं और क्या लड़के कह रहे हैं उनसे बातें कर लूं। मैं शुरू से लड़कों का नाम ले लूँ, लवकुश जो है, थैंक सर, दीपक है, मनीष, छोटू, जितने मेरे अंसारी, इमरान अंसारी, मोहित राज, जितने मेरे मित्र हैं लाइव अभी, उन सारे से मैं बात करूं। राधे राधे, संदीप भाई, सूरज, अमन, राहुल, संतोष, मिस्टर गौरी, जो भी है, बम भोला राय, शुभम, आज मैं आपको वही चीज बताने वाला हूं लाइव में कि बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे हम। बाइनरी नंबर क्या होता है पहले इसके बारे में जानते हैं कि द्विधारी संख्या के बारे में जानेंगे कि द्विधारी संख्या होता क्या है। जैसे आपको इंटर या मैट्रिक में या जो भी आप साइंस के टीचर जो मेरे मित्र होंगे वो बताए थे आपको बाइनरी नंबर निकालने का, उससे थोड़ा सा अलग हट के हम बताने वाले हैं आपको, नया तरीका को सिखाने वाले हैं जो कि आप किसी भी बाइनरी नंबर को निकालने में आपको आसानी से मदद मिलेगा। और देख सकते हैं बाइनरी नंबर कैसे निकालेंगे, दोनों मेथड हम बताने वाले हैं अभी आपको कि बाइनरी नंबर कैसे होगा। 19 का बाइनरी नंबर आप निकालते थे तो कैसे निकालते थे, पहले का मेथड था आपका, और ये जो हम सिखाने वाले हैं कुछ आज नया करने वाले हैं आपके साथ। पहले हम लोग जो 19 का निकालते थे बाइनरी नंबर, 12th में, इंटर में, पार्ट सेकंड, जितने भी ग्रेजुएशन के लड़के थे या मैट्रिक इंटर जो भी थे, दो से जब भाग देते थे तो आपको याद होगा कि दो से भाग देने के बाद ये बीच में भागफल लेते थे, 2 9 18 बीच में भागफल आता था और शेषफल कितना आया, 1। तो शेषफल को साइड में लिखते थे, याद होगा आपको कि शेषफल को साइड में हम लिखते थे और यहाँ से फिर दो से भाग देते थे, 2 4 8 भागफल आया और शेषफल को फिर साइड में लिखते थे। 2 से भाग दिए 2 2 4 शेषफल 0 आया, 2 से भाग दिए 2 1 1 0 आया। पहले मैं बच्चों से ये बता दूं, अपने मित्रों से, जितने मेरे दोस्त हैं उन सारे से मैं ये बताने वाला हूं कि लाइव क्लास जो हमारा चल रहा है उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से हम काम करने वाले हैं। थोड़ा सा भी हम लोग आरा शहर हमारा इतना और हम लोग का जो है अभी डेवलप नहीं है, लेकिन कर रहे हैं हम लोग और कोशिश जारी है अभी, और अभी लाइव आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया है क्योंकि हमारा थोड़ा चैनल जो प्रॉब्लम था, सेटिंग गड़बड़ हो गया था। तो 2 से भाग दिए तो इसका बाइनरी नंबर आप देख सकते हैं 1, यहाँ से नीचे से लिखते हैं हमेशा 10011, इसका बाइनरी नंबर ये होता है। ध्यान दे रहे होंगे आप कि 10011 बाइनरी नंबर होगा। जितने मेरे मित्र अभी लाइव है, पप्पू भाई, मैं अपने बोर्ड पे ही अपना मोबाइल चिपका दिया हूँ ताकि आपसे बात कर सकूं। आपको लड़कों को लगे कि सर लाइव पढ़ाते हैं, वीडियो अपलोड नहीं करते हैं, मैं लाइव ही बात करना चाहता हूं क्योंकि मैं अपलोड करके कोई काम नहीं करना चाहता, आपके सामने फेस टू फेस बात करूंगा। और जो मेरे मित्र हैं राहुल कुमार, हेलो, जितने अमन भाई हैं, सारे लोग से मैं बात कर रहा हूं अभी। जैसा आप देखते हैं पुराने मेथड को और भी बहुत सारे क्वेश्चन हार्ड से हार्ड अभी दिखाने वाले हैं। आज पूरा 1 घंटा हम लाइव रहेंगे आपको बताने के लिए कि कैसे बाइनरी नंबर बनाया जाता है, और बिल्कुल 1 घंटा आप देखते रहेंगे आज का मेथड क्या होगा, पहले मेथड क्या सीखे थे। जैसे आप 23 ले लिए, 22 ले लेंगे, जितना भी चीज होगा 2 से भाग देंगे तो आप बचपन में यही आपको 12th में सिखाया गया था कि 2 से भाग देंगे 11 2 22 11 भागफल होगा, 1 शेषफल होगा, 2 से भाग देंगे 2 5 10 भागफल हो गया, शेषफल 1 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 2 2 4 शेषफल 1 होगा, 2 से भाग देंगे 2 1 2 और शेषफल 0 होगा। तो यहाँ से 1, यहाँ से 0, यहाँ से 1 1 1, यानी कि हमारा जो वैल्यू होगा मित्रों बाइनरी नंबर का 10111, 23 का बाइनरी नंबर का वैल्यू ये 2 से इसलिए लिखा जाता है कि 2 से ही भाग देते हैं, बाइनरी नंबर द्विधारी संख्या कहलाता है। आप और भी संख्या को देख सकते हैं, जैसे अगर मेरे मित्र लाइव हैं तो वो कोई संख्या बोले, बहुत हार्ड भी बोल सकते हैं, कोई एक संख्या बताए, मैसेज करे अभी, कोई संख्या किसका बाइनरी नंबर निकाला जाए जल्दी से बताइए, जल्दी मैसेज करे कोई मित्र, किसका निकालना है बाइनरी नंबर अभी बताए आप। बहुत कम लोग लिख, ये देखिए इनका 26 95 95 ले लेते हैं किसका, या 26 भी ले लेते हैं, दोनों निकाल कर दिखाते हैं अभी आपको बाइनरी नंबर। 2 से भाग देंगे 2 4 8 1, 2 7 14 शेषफल 1 आएगा, 2 से भाग देंगे 2 2 4 2 3 6 शेषफल 1 आएगा, 2 से भाग देंगे 11
शेषफल एक आएगा, दो से भाग देंगे दो पच दस, शेषफल एक आएगा, यहाँ से दो दो निकी चार, भागफल लेते हैं शेषफल यहाँ ले लिए, दो से भाग देंगे दो एकम दो, शेषफल वन, इसका बाइनरी नंबर 1011111111 तीन दो पांच, यानी कि ये हमारा इसका बाइनरी नंबर होगा। देख सकते हैं आप, अगर 26 का निकालना दो से भाग देंगे 13, भागफल शेषफल जीरो होगा, दो से भाग देंगे 13, भागफल शेषफल जीरो होगा, दो से भाग देंगे दो से दो छक 12, एक शेषफल होगा, दो से भाग देंगे दो तीन छ, शेषफल जीरो होगा, दो से भाग देंगे दो एकम दो, शेषफल एक, एक यहाँ से भी एक, जीरो एक जीरो एक, यानी कि बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे वो भी हम दिखाएंगे। आप मेरे साथ जब जुड़े रहेंगे कि बाइनरी नंबर को हम डेसिमल वैल्यू में कैसे चेंज करेंगे, जो मेरे मित्र है अभी मदन कुमार, जो भी है मेरे दोस्त है अशरफ अंसारी, अमन सचिन, जो भी और क्वेश्चन निकालना हो, एक मेरे मित्र 57 का बाइनरी नंबर पूछा है, जैसा कि मैं आपसे बात करके लाइव करा सुनूंगा, ये नहीं कि सर अपने मन से पढ़ाएंगे, हमेशा आप मैसेज करते रहे और सुविधा हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और क्वालिटी भी द बेस्ट होते जाएगा। अभी कोशिश हमारा चल रहा है आपके साथ कि मैं आपके साथ द बेस्ट करूं और लाइव क्लास एकदम क्लासरूम के जैसा, जैसे मैं ऑफलाइन में क्लास डिजिटल अपना किया हूं, वैसे ही आपको फील हो। और मेरे मित्र जो है उनसे बात कर रहा हूं, जैसे अभी 57 का मैसेज आया है मेरे मित्र का कि 57 का बाइनरी नंबर बताएं सर, बिल्कुल मैं 57 का लिखने वाला हूं, देखेंगे आप। दो से भाग देंगे दो दो निकी चार, एक दो से दो अठे 16, भागफल एक आएगा, ध्यान से देखेंगे, दो से भाग देंगे 14, शेषफल जीरो आएगा, दो से भाग देंगे दो सत्ते 14, शेषफल जीरो आएगा, दो से भाग देंगे द्वितीय 6 और शेषफल एक आएगा, दो से भाग देंगे आपको देख सकते हैं दो एकम एक, शेषफल एक, एक एक एक, यहां से आप देख सकते हैं ये एक आपका ये शेषफल है, एक एक तीन एक 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 एक, और यहां से जीरो जीरो एक, आप बाइनरी नंबर देख सकते हैं। और मेरे मित्र कोई क्वेश्चन पूछे, किसी संख्या का अगर बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है तो ये तो पुराने मेथड है, ये सारे जो मेथड है हमारे पुराने हैं, पुराने हो चुके हैं, हमको अपडेट होना पड़ेगा क्योंकि हर गाना अपडेट हो रहा है। आप देख सकते हैं कि तुझे अपना बनाने का कसम खाई है, ये गाना अब अपडेट हो चुका है। अब ये गाना कैसे होता है कि तुझे अपना बनाने का जुनून सर पे है, सर पे, बहुत सारे मित्र हैं जो जानते हैं कि जुनून अब सर पे रखना है क्योंकि कसम खाने से कुछ चलने वाला नहीं है। तो लाइव देखते रहे और हर दिन एंटरटेनमेंट के लिए हम आएंगे और क्लास मिलेंगे आपका, बहुत सारे ऐसे सॉन्ग्स हैं मेरे मित्र, देख सकते हैं आप। बहुत सारे मेरे बच्चे अभी लाइव जुड़े हुए हैं, 83 का एक बच्चा पूछा, 141 का पूछा है, पहले मैं सभी लोगों का मैं आंसर दे दूंगा 141, लेकिन मेथड चेंज करके दिखा दे पहले 141 पहले मैं निकाल दूं और इसके बाद मित्र नया मेथड सीखने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आप पूछेंगे तो हम नया चीज नहीं सिखा पाएंगे, नया मेथड नहीं सिखा पाएंगे, नया कंसेप्ट नहीं सिखा पाएंगे, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड से ही बताते और बनाते रह गए हैं अभी तक। कुछ नया सीखने के लिए मेरे साथ जरूर जुड़े क्लास में कल 10 बजे से। आप सभी बच्चों को मैसेज देना चाहता हूं कि काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट टू हमारा चलेगा 10 से 1 क्लास, जो भी पुराने मित्र 7 से 8 के हैं या 10 से 11 के हैं, अगर नहीं मैसेज मिला है तो उनको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। आ जाएंगे 141 का, पहले एक बच्चा पूछा उसका मैं बता दूं, तब मैं नया मेथड के बारे में चलूंगा, 2 × 14 नहीं जाएगा तो जीरो हो जाएगा, शेषफल एक होगा, यहां से दो से जाएंगे तो 35 × 70 शेषफल जीरो, दो से जाएंगे तो ये 17 और शेषफल एक, दो से जाएंगे 2 × 8 = 16 शेषफल एक, दो से भाग देंगे 2 × 4 शेषफल जीरो, आप देख सकते हैं दो से भाग देंगे 2 × 2 = 4 शेषफल जीरो, दो से भाग देंगे 2 × 1 = 2 और शेषफल जीरो, तो 1000 1001101। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में चेंज कर देंगे, अगर बना है तो क्या ये सही बना है, ये आपको देखना होगा। यहां से एक, यहां से दो, यहां से चार, यहां से आठ, यहां से 16, यहां से 32, यहां से 64 और यहां से 128, यहां से चेक करने का तरीका हम सब सिखाएंगे, केवल अभी आपको दिखा रहे, रिप्रेजेंट करा, दर्शा रहे अपने आप को कि कैसे इसको हम शो करा रहे हैं कि कैसे इसको हम चेक कर सकते हैं। 2 जीरो है इसलिए काट दिए 8 पे, 0 पे 16 है इसलिए काट दिए, 0 पे 32 इसलिए काट दिए, 0 पे 64 काट दिए। आप लाइव जुड़ेंगे, अभी क्लास नहीं चल रहा है, सिर्फ ये बता रहे कि पुराने
चीजों को कैसे हम छोड़ेंगे, यही चीज सीखने के लिए आप लाइव जुड़ेंगे मेरे साथ, और तभी हम आपको बता सकते हैं। जितने मेरे मित्र है लाइव अभी, ये देखिए मदन कुमार भाई का 556 का निकालना इनका दिमाग से किया गया है, सब निकाल देंगे भाई, 1056, 2056, 50056 सब का निकल जाएगा। पहले टाइम दिया कीजिए, लाइव देखेंगे तो 128 और 8, 100 कितना हो जाएगा 36, 136 और यहां से 4, 140 है, 141 कितना आया 141, यानी हम चेक भी कर सकते हैं 128 और यहाँ से 8, 128, 8, 136, 4, 140, 141, ध्यान से देखेंगे जहां जीरो होगा उसको हम काट देंगे। अब हम बड़ा ही नॉर्मली बहुत ही स्लो मोशन में कुछ नया मेथड, अपना मेथड सिखाने वाले हैं कि सर कैसे नया मेथड को सिखाते हैं, कैसे लड़कों को सर पसंद आते हैं, क्यों सर के पास लड़के आते हैं, ये देखने के लिए जरूर एक बार वीडियो क्लिक करें यूट्यूब चैनल पे। और साथ में मैथलेटिक पे मेरा फेसबुक अकाउंट है, उसका पेज है मैथलेटिक, उस पे भी अभी लाइव चल रहा है, आप देख सकते हैं मैथलेटिक, इस फेसबुक पे जाइए और एसके श्रीवास्तव का फेसबुक का एक पेज का नाम होगा मैथलेटिक, उस पे भी अभी क्लास जो मैं ले रहा हूँ लाइव आ रहा होगा, आप बिल्कुल देख सकते हैं फेसबुक के साथ भी, उसको फॉलो करें पेज को, और जैसे मैं लाइव आऊंगा फेसबुक पे अभी आप देख सकते हैं उसको। अब जरा स्लो मोशन में मेरे मित्र, एक घंटा में क्लास लेने वाला हूं बहुत स्लो मोशन में, और आपको बताऊंगा कि कैसे बाइनरी नंबर हम बनाएंगे, देखेंगे आप टाइम देंगे मेरे साथ। अब सिखाने का काम शुरू कर रहा हूं मैं, जितने मेरे मित्र हैं सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक फॉर्म याद रखना होगा, और फॉर्म कुछ याद रखने का जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग का जरूरत है। एक होता है, एक के बाद दो होता है, दो के बाद चार होता है, चार के बाद आठ होगा, आठ के बाद सोलह, सोलह के बाद बत्तीस, बत्तीस के बाद चौसठ, चौसठ के बाद 128, 128 के बाद 256। ये मेरा मित्र मदन भाई था, 556 पूछा है, मैं यार तेरे आंसर को दिया, 556 को भी दिया, लेकिन मेरे साथ लाइव जुड़े रहेंगे तब मैं आपका आंसर दे सकता हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं। होले होले से सब काम होगा, क्योंकि गाना भी है, होले होले से दुआ लगती है, होले होले से हवा लगती है, हाँ होले होले हो जाएगा प्यार बलिए, होले होले हो जाएगा प्यार, हाली हाली नहीं होता है, कैसे हो जाएगा, सब होले होले समय अनुसार, नहीं तो फिर आपका काम गड़बड़ हो जाना है। ध्यान सुनेंगे, एक दो चार आठ सोलह बत्तीस चौसठ 128 256, दो का रेशियो गुणज में है, दो के बाद चार, चार के बाद आठ, आठ का सब दो से गुना हुआ है। अब बड़ा ही स्लो से इसको सिखाने वाले हैं, आप भागेंगे नहीं लाइव से, आप देखेंगे तब मैं समझा सकूंगा। एक का योग कितना होगा, एक, एक गुने दो माइनस एक तो कितना होगा, एक में दो से गुना करिएगा एक, बहुत स्लो मोशन में काम करने वाला हूं इसलिए भागने का जरूरत नहीं है। दो है एक तीन, दो गुने दो है माइनस एक, चार में से एक गया कितना तीन, जोड़िए दो है एक तीन आएगा, यहां से जोड़िए चार दो छह एक सात, तो यहां से आपको कुछ करना नहीं है, चार में दो से गुना करके एक घटा लेना है, चार दूनी आठ में से छ एक गया सात, यहाँ आठ चार बारह दो चौदह एक पंद्रह, योग निकाल रहे हैं। इसका फॉर्म पहले आप देखेंगे, 10-15 मिनट आप सीखने में टाइम लगेगा, एक घंटा मुझे पढ़ाने में टाइम लगेगा, बस इसको लिख सकते हैं आठ गुने दो माइनस एक, सोलह में से एक गया पंद्रह, यहां से आप देख सकते हैं सोलह गुने दो और माइनस एक, बत्तीस में से एक गया इकतीस, यहां से देख सकते हैं बत्तीस गुने दो और माइनस एक, चौसठ में से एक गया तिरसठ, जोड़िए बत्तीस सोलह अड़तालीस, आठ छप्पन चार साठ दो बासठ है तिरसठ, यहां से आप देख सकते हैं चौसठ गुने दो और माइनस एक, एक सौ अट्ठाईस में से एक गया एक सौ सत्ताईस, यहाँ से आप देख सकते हैं 128 गुने दो और माइनस एक, 256 में से एक गया 255, यहाँ से आप देख सकते हैं 256 गुने दो माइनस एक यानी 511, तो इस तरह का फॉर्म होगा। आप बिल्कुल एक बार जरूर नोट करें, जब मेरे साथ लाइव क्लास करें तो सभी लोगों के जैसे लाइव क्लास ना आए, कृपया कलम कॉपी जरूर लेकर बैठे, आपको क्लास का मजा आएगा, ये मेरा गारंटी नहीं है, चैलेंज है, क्योंकि हम वादा नहीं करते हैं, हालांकि वादा करना है तो अपने भाइये कैसे, तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, हमेशा याद रखें, जब किसी से वादा करें तो हमेशा निभाएं, खुशी में किसी से वादा नहीं करना है, याद रखना है, नहीं तो हमेशा खुशी का वादा झूठा होता है। यहां से आप देख सकते हैं फॉर्म, फॉर्म देखने के बाद कैसे हम निकालेंगे, जैसे 19 का निकालेंगे हम, तो आप 19 का निकालने वाले हैं, 18 का निकालना है, जो भी निकालना है, थोड़ा सा छोटा वाला जो मैसेज करे
कि 25 तक के अंदर में कोई संख्या बोले फिर हार भी हम बताएंगे। अभी जल्दी मैसेज करें मेरे मित्र अमन। स्क्रीनशॉट ले लो लोग जितने 25 तक बोलो मित्र, मेरे दो मित्र हैं, बंधु हैं, मैं भाई से भी ज्यादा आप लोग को प्यार करता हूं। आपको पता नहीं है मैं तो टीचर हूं ही, लेकिन भाई से भी ज्यादा आपको मानता हूं। इसलिए आपका भी फर्ज है कि आप मेरा सपोर्ट करें। कोई ऐसा संख्या बोले हाँ 23, एक लड़का बोला 23 का, देखिए निकालते हैं कैसे 23 का यहां से निकल जाएगा बाइनरी नंबर बिना भाग दिए। यहां तक का आपका योग कितना है 31, देख लेंगे, और यहां तक का योग कितना है 15। तो 23 15 में आएगा कि 31 में आएगा? 23 जो है 15 से अधिक है, इसलिए हम 8 तक नहीं लेंगे। कितना तक लेंगे? 16 तक। ध्यान से केवल सुनेंगे तो 16 में इतना जोड़े कि 23 आ जाए, तो 16 8 24 हो जाएगा। इसलिए 8 का यूज नहीं करेंगे, नहीं तो अगर यूज करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 16 और 4 20, अब 20 और 2 22 और 1 23, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है 1। इधर से लेंगे इस फॉर्म में जब होगा तो 10111। आप टाइम देंगे, हम बोले हैं 1 घंटा आप लाइव रहेंगे तब हम आपको बाइनरी नंबर सिखा देंगे। कल 2 घंटा लाइव रहेंगे तो प्रोबेबिलिटी सिखा देंगे, 2 घंटा लाइव रहेंगे तो परमोटेशन एंड कॉम्बिनेशन सिखा देंगे। इस तरह से CI 3 घंटा कंटिन्यू लाइव आएंगे, संडे को दिन CI सिखा देंगे, SI सिखा देंगे, यानी कि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि सर वो छोटे छोटे क्वेश्चन को बताएं। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, लेकिन लॉन्ग प्रोसेस नहीं होगा, उसका प्रोसेस 1 से 2 3 लाइन तक होगा। यही मेरी क्वालिटी है, थोड़ा सा हम अलग ढंग से काम करते हैं बच्चों के साथ। 23 का आपका आ गया बाइनरी नंबर। अब किसी संख्या का बोलेंगे तो बताएंगे, मैसेज करें, हम तो लाइव में यही पूछते हैं लड़कों से कि आप बताओ भाई। बोलेंगे 21 का पूछे हैं, 37 का पूछे हैं, बहुत सुंदर 20 का भी पूछा है मेरे मित्र। 37 का निकाल देते हैं, फिर 21 का, फिर 20, सब का निकालते हैं। 37 का निकालते हैं, यहाँ 31 है, ध्यान देंगे 31 तक में क्या 37 आएगा? यहां तक का योग कितना है 31, तो यहां तक में नहीं आएगा, यानी कि 31 से अधिक है, इसलिए हम क्या लेंगे 63 का है 32, आप देख सकते हैं, तो 32 ले लीजिए। 32 में कितना जोड़ेंगे कि 37 आ जाएगा बताएंगे? 32 में कितना जोड़े कि 37 आ जाए? 5। तो 32 और 4 36 36 और 1 37, और बाकी का यूज नहीं कर पाए इसलिए हम क्या रख देंगे 0। बाकी का यूज नहीं कर पाएंगे इसलिए हम क्या रख देंगे 0। तो सर ये फॉर्म याद कर, कुछ याद नहीं करना है, 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 से क्या याद करना है? कुछ नहीं, बस 2 का गुना करते चल जाना है। और फॉर्म में कैसे योग आता है आपको भी बता देते हैं, 32 × 2 − 1 = 63 है, देख सकते हैं। तो याद करने वाला प्रॉब्लम यहाँ खत्म हो जाएगा मेरे साथ जब जुड़िएगा। रटने का झंझट नहीं, भूलने का टेंशन नहीं, और हाई स्पीड ये मेरा गारंटी नहीं, चैलेंज है जब मेरे साथ लाइव रहेंगे। तो यहां से आपका 37 का 100101 आपका फॉर्म आ चुका है, 37 का 100101। जैसा मेरा मित्र 37 का बोला था, 20 का बोला था, 121, अभी 78, 121, सारे लोग मैसेज में लगे हुए हैं, एकदम मजा आ रहा होगा उनको जो लगे हैं। 121 जो भी या जितने मैसेज कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, इंटरेस्ट जमाए हुए अपने आप में। ध्यान से दू, शरीर में खून की जरूरत नहीं, जुनून की जरूरत है, याद रखो, शरीर में खून की जरूरत नहीं, खून की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत है? जुनून की। और जुनून पैदा करते रहो अपने अंदर, और वो हमेशा आएगा पॉजिटिव थिंक से। निगेटिव सोचने वालों को सोचने देते हैं, हम अपना काम करते रहते हैं। यहां से 121 एक लड़का बोला है, एक लड़का है 78 बोला है, दोनों का मैं मेंशन करूंगा। 121 है तो यहां से 128, देखिए 121 127 है तो 100, यहां 63 है तो क्या 63 में 121 आ जाएगा? नहीं आएगा। तो यहां से 63 से आगे बढ़ेंगे तो कितना है 127, तो इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा 121। तो यहां तक का काम होगा 64 और 32 96, 121 लाना है दोस्त का, मेरा दोस्त जो है 121 बोला है, तो 64 और 32 कितना होगा 96, और 96 हमको 121 लाना, 121 लाना, 96 में 16 जोड़ेंगे तो 96 में 16 जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा? पहले ये बताइए 96 में 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? आप जोड़ेंगे, हम जोड़ते हैं, 96 में 16 जोड़ने के बाद 112 आएगा, 112 4 16
116, 112, 120, 121 यानी कि इसका यूज नहीं होगा। तो आप 111, 111 चार और 001 आएगा। लेकिन टेंशन ना लीजिए, कितना हार्ड हो जाएगा, कोई हार्ड होने का टेंशन ना। ब्रेन में बस सिर्फ एक ही बात बताइए कि 127 है यहाँ तक का, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, तो 127 मित्र पूछा है कितना का, 121 का। कैसे हम दूसरा प्रोसेस एसी में लगाने वाले हैं, कुछ करना नहीं है, घबराएंगे नहीं और लाइव भागेंगे नहीं। भागेंगे तो कभी जीवन में भागते रह जाइएगा, रुकिएगा तो सफल कराकर दिखाएंगे। आप केवल रुकिए तब हम आपको बता सकते हैं कि कैसे हम इसको बताएंगे। 127 है और 127 में मेरा मित्र पूछा 121, तो 127 में 121 जब घटाएंगे तो 6 का जरूरत नहीं होगा। 127 तक में अगर हम निकालेंगे 121 तो 6 का काम नहीं है, 6 का काम नहीं यानी कि 4 और 0 यानी 4 में 0 और 2 में भी 0 यानी 4 2 6 का काम नहीं है। कितना में 64 तक में किसका किसका काम नहीं, 4 और 2 का, क्योंकि 127 और 127 में 121 तुम पूछे हो तो 121 जब घटाएंगे तो कितना नहीं काम करने वाला है, 6 और 6 का मान काम नहीं करने वाला है, 4 और 2 6, इसको क्या कर देंगे हम 0। जैसे 0 किए तो हमारा आंसर होगा 64 का यूज था, 32 का यूज था, 16 का, 8 का और 1 का, यानी हमारा आंसर 111001 आगे आप देख सकते हैं, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, इसको सोझा करिए थोड़ा, इसको नहीं दिख पा रहा है मेरे मित्र, तो टेंशन ना ले, यहां से मैं लिख रहा हूं, थोड़ा इसको ऊपर करिए कैमरा को करिए, ठीक है हो गया। यहां से 111111 चार वन है, 111 001, यहां शर्माने की जरूरत नहीं कि सर लाइव ले रहे हैं क्लास, सर अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, सर कुछ नहीं ऐसा है, हम आपके गांव के हैं, आपके आरा शहर के हैं, आपके बिहार के हैं, जैसे मन तैसे पढ़ो, खाली समझ में आना चाहिए। एग्जाम में एटीट्यूड का कोई काम नहीं है, एग्जाम में टिक लगाओ, आंसर मिलाओ और घरे रिजल्ट पाओ। एग्जाम के बाद अब सोचो कि तुमको इंटरव्यू में या फिर तुमको जॉब में कैसे रहना, ये खुद सीख जाएंगे आप। ये पर्सनालिटी इम्प्रूवमेंट माहौल के द्वारा क्रिएट होता है, अपने आप को ऐसा बनाइए कि माहौल के अनुसार आप चेंज होते रहिए। तो यहां से आप देख सकते हैं मेरे मित्र जो है, हमारे जितने भी बिहारी भाई हैं वो बड़ा ही एक अलग क्वालिटी के होते हैं, माहौल के अनुसार अपने आप को बदल देते हैं। 78 एक मित्र बोला था, कितना बोले वो दोस्त, 130 बोला, अभी एक कोई 234 बोला, क्या मतलब लगता है कि 234 बहुत हार्ड है, यही तो लग रहा होगा आपको, बिल्कुल हमें फील हो रहा है कि आपको यही लग रहा है। 255 तक देखिए, 234 का ही हम आपका निकालते हैं, यहाँ तक का योग कितना आएगा 128 और 128 गुने 2 माइनस 1 255, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखे भी है 255, आप देखिए वीडियो बार बार जूम करके देखिएगा अगर देखना होगा तो। तो 255 में ये लड़का पूछा 234 का निकालना है, यानी कितना का यूज नहीं है, 121 का यूज नहीं है, तो 21 कैसे आएगा, 16 5 21 तो 16 का यूज नहीं है, और 4 20 का यूज नहीं है, और 1 का यूज नहीं है, 16 4 20 है, 121 का यूज नहीं है, कितना का यूज नहीं है दोस्त, 21 का। यहां से कितना का यूज है, यहां तक का 255 128 से 21 का यूज नहीं, 16 4 20 है, 121 जीरो कर दिए, क्या कर दिए जीरो। जैसे जीरो किए तो हमारा इसका मान एक, इसका मान एक, इसका मान एक, इसका मान एक, यानी कि इसका मान एक, 128 से शुरू किए थे, 255 किसका था, 128 तक का, तो 128 64 32 का यूज था, 8 का यूज था, 2 का, किसका किसका नहीं था, 16 4 1 नहीं था, बस हो गया। तो हमारा आंसर यहां से आप देख सकते हैं आ रहे कैमरे में ना 1। अगर लाइट से दिक्कत हो रहा है तो बताएंगे थोड़ा सा, अभी एक दो दिन चार दिन प्रॉब्लम और सह लेंगे आप लोग। एक 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 जीरो एक जीरो एक जीरो, ये हमारा जो मित्र है 234 का पूछने वाले, ये देखिए भाई रिशु भाई को अब 865 का पूछने लगे, या कंसेप्ट सीखने आए कि आप ये ड्रामा करने आए, बताइए ये परेशान करिएगा तो कैसे हम पढ़ा पाएंगे, आप ही सोचिए। 865 का आप इसी पे निकाल लीजिएगा, बढ़ते जाइएगा, 130 का है, 654 का है, सब निकल जाएगा। इसीलिए लाइव लोग
टीचर लोग क्लास नहीं लेना चाहते हैं, लेते हैं वीडियो अपलोड करके कर देते हैं कि लीजिए आराम से वीडियो मिक्स करा दिए, मिक्स करा के एकदम एडिटिंग करा के ओकरा में धा के घ्योर मठा एकदम आप खुश है, बहुत करिए लाइव के पढ़ाएगा इसे चाल से। कोई कहेगा 50,000 का निकाल दीजिए, कोई कहेगा 2 करोड़ का निकाल दीजिए, अरे पूछिए कि एग्जाम तक काम कर जाए। आइए किसी एक और पूछेंगे। 130 बहुत बार से बोल रही है रानी कुमारी, कौन 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 पता नहीं क्या नाम है, रानी रानी रखी है। 130 बहुत अच्छा है, चलो इनका भी बात मान लेते हैं 130 का। और ये मित्र जो है 865 उनका भी बात मानेंगे, यार 865 भी निकाला मैं आपके लिए, 865 भी निकाला। पहले 130 को देख लेते हैं, 127 के बाद हमको जाना है, 127 के बाद जाना है 255 है और हमको लेना 130, यानी कि 128 का यूज है। 128 के बाद सीधे 2 का यूज है, 128 के बाद सीधे 2 का यूज है, 128 और यहां से 2 130 हो गया, बाकी का काम नहीं है। 0 0 0 0 0 0 1 यहां से वैल्यू आप देख सकते हैं क्या आया, 1 यहां से 0, यहां से 0 0 1 0 0 1 0 0 0, 1 2 3 4 5 0, 5 0 के बाद 1 0 आएगा, यानी कि कितना मान होगा देख सकते हैं, आपके पास एंसर अवेलेबल होगा। मित्र लोग बात करते हैं, थोड़ा सा चैट करते हैं बात। 45 का बताने के लिए मित्र बोला, पहले 865 वाले मित्र भाई बुरा मत मानिएगा, आपका निकालेंगे उत्तर समस्या का, देखिए कितना का ये पूछ रहे हैं। चलिए आप लोग ऐसी करिए, ठीक है 45 का एक बोले हैं मित्र जो बनाने के लिए, 45 का पहले हम बता दें फिर हम बताएंगे किसी चीज का। पैतालीस का देखिए कितना आएगा, यहाँ से 31 है, यहाँ से 63 है, 63 तक का यूज है 45, तो यहाँ तक में हमको 32 और 16 ले लेंगे तो 48 हो जाएगा, इसलिए 0 लेंगे। 32 8 40 और 4 44 और 44 है 1 45, इसका 0 यूज होगा। 32 8 40 40 और 4 44 है 45, आ चुका है 101101, यानी कि हमारा काम हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना आया है अभी, 101101 आया है कि नहीं दोस्त, आया है कि नहीं। इसके बाद हम बात करेंगे आपसे, ये तो आप सीख गए होंगे अभी मुझे लगता है, अभी हम बात करेंगे कि कैसे बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में चेंज करेंगे, बाइनरी नंबर को डेसिमल वैल्यू में कैसे चेक करेंगे अभी चेंज करेंगे वो दिखाते हैं अभी आपको। हम लोग रिसर्च करने नहीं, हम लोग मित्र अपना कंपटीशन के लिए आए, जो लाइव 1% है ऐसे ही उनको रहने दिया जाए, कोई बात नहीं है। मेरे मित्र हैं वो भी, हमारे सब मित्र हैं, दोस्त भी मित्र हैं, दुश्मन भी मित्र हैं, जो नहीं पहचानते वो भी मित्र हैं, जो पहचानते सब लोग हमारे मित्र हैं। यहां से देखेंगे कैसे डिसिमल वैल्यू में इसको कन्वर्ट किया जाए बाइनरी नंबर को, तो 1 0 0 1 1 आ गया, एग्जाम में दे देगा कि कैसे इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे। देख रहे हैं मेरे दोस्त कैसे इसको बाइनरी नंबर में चेंज करेंगे, तो यहां से सॉरी ये बाइनरी नंबर दे दिया, अब बाइनरी नंबर को कैसे हम डेसिमल वैल्यू में चेंज करेंगे, किसमें दे देगा चेंज करने के लिए, डेसिमल वैल्यू में, डेसिमल वैल्यू में चेंज करने के लिए दे देगा। इसको हमको बनाना है और आप बनाने में सपोर्ट करेंगे, तो यहां से 1 है तो उसको 1 नहीं कहते हैं, 1 और सीरीज याद करिए 1 2 4 8 और यहां से 16, 0 है, 0 है तो उसको काट दीजिए, फिर 0 है उसको काट दीजिए, 16 2 18 1 19, किसका मान है, इसका जो बाइनरी नंबर है उसका डिसिमल वैल्यू कितना होगा 19, ये जो बाइनरी नंबर है उसका डिसिमल वैल्यू क्या होगा 19। आप देख सकते हैं कि इसका डिसिमल वैल्यू हमारे पास कितना आया है 19। अब देखिए और किसी क्वेश्चन को निकालते हैं, जैसे 1111 केवल आ गया, 5 1 आ गया, इसका बाइनरी नंबर क्या होगा, तो 1 2 सॉरी डिसिमल वैल्यू क्या होगा, तो 1 2 1 2 और यहां से 4, यहां से 8, यहां से 16, तो 16 24 24 4 24 4 28 2 30 है 31 का,
किसका है ये 31 का। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, जैसे 100001101 आ गया और पूछेगा एग्जाम में कि कैसे इसका हम बाइनरी नंबर निकाल सकते हैं, तो आप बिल्कुल देख सकते हैं 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 और यहां से 256। तो जिसका यूज नहीं है, 256 का यूज है, 0 है, 128 का यूज नहीं है, 64 का यूज नहीं है, 32 का यूज नहीं है, 16 का यूज नहीं है, 8 का यूज है, इसलिए 8 को नहीं काटेंगे। 16 काट दिया, 8 का यूज है, 4 का यूज है, 2 का यूज नहीं है, तो क्या आएगा 256 8 256 8 264 264 4 268 1 269। किसका ये वैल्यू है 269 का। जैसे मेरे मित्र देख सकते हैं कि 269 का वैल्यू है, ये बिल्कुल आसानी से बनाया गया। बहुत सारे मित्र हैं किसी भी वैल्यू को 1001001 का अगर कोई निकालने के लिए बोल दे तो आप टेंशन ना ले, एक है यहाँ सीरीज याद करिए, 2 है, ये 4 है, 8 है, ये 16 है, यहाँ से 32 है और यहाँ से 64 है। आप देख सकते हैं 32 का यूज नहीं है, 16 का यूज नहीं है, 4 का यूज नहीं है, 2 का यूज नहीं है, तो क्या होगा 64 8 72 1 73। किसका मान है 73 का। आप बिल्कुल देख सकते हैं, इसी प्रकार से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जिसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए कल आप वेट करें मेरे लाइव का और एंजॉय करें। अगर मित्र को समझ में नहीं आया तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाइए और मैसेज करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरे फेसबुक अकाउंट जो है मैथलेटिक पेज को फॉलो करें। सारे मित्र से रिक्वेस्ट है कि फॉलो करें, फेसबुक पे भी मैं लाइव हूं अभी, आप बिल्कुल देख सकते हैं उसको। और दिन प्रतिदिन हम लोग कार्यरत हैं आपके लिए, हमारे जितने मित्र हैं, सहयोगी हैं, वो सारे लोगों को धन्यवाद दीजिए आप। और तब तक के लिए गुड नाइट, राधे राधे।